मेरे पापा भी नहीं है और मेरी मम्मी कल पूरा खेतों में घर पे तक पानी आ गया था, दूसरों के घर पे रहते। ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। नहीं, यहाँ पैसागर का पानी आ रहा है और कल हमारे घर में पानी घुस गया, हम दूसरों के घर पे रहते, हमारे खाने पीने की कुछ नहीं है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा नहीं है, हमको देख कर कहाँ जाएगी वो। यहाँ पे बहुत सारा पानी भर गया है और यहाँ पे हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। जहाँ पे ये नाला है वहाँ पे किसी ने घर मकान बना रखे है, वो नहीं तोड़ रहे। हमारे यहाँ खातेदार की जमीन भी है पर हमारे कोई भी नहीं सुन रहा है। यहाँ पे आके जा रहे सब बोल रहे हैं हाँ करेंगे पर कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं हमारे गांव में, वहाँ पे भी नहीं जा पा रहे हम। क्या कोई सरकारी अधिकारी प्रशासन आपसे कोई मिलने आया? यहाँ पे आए थे सरपंच, सरपंच वरपंच अधिकारी कुछ आए थे, आके बस ऐसे बोल देते और कुछ नहीं कर रहे हैं। कितने परेशान हो रहे हैं आप? बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, हमारे खाने पीने की भी जगह नहीं है और यहाँ पानी भी 6 दिनों में आज भी नहीं आया है, आज आना था 6 दिनों के आज, और पानी का टैंकर भी नहीं आ पा रहा है। किसके किन के घरों में आप रह रहे हो? हम कल बारिश आ गई थी, हमारे घर में पानी घुस गया था, हम हमारे गाँव में वहाँ पे हमारे किसी के मौसी का घर है वहाँ पे गए रहने। क्या किसी की प्रकार की कोई हेल्प आपको मिली है? किसी प्रकार की हमारे को हेल्प नहीं मिली है, किसी ने भी कुछ नहीं बोला, पूछा भी नहीं आके यहाँ पे हमको। ठीक, नाम बताइए आप। मेरा नाम खुशबू। दो बच्चे है छोटा, दोनों बच्चा बच्चे मेरा स्कूल था सरकारी में, और हम तो यहाँ कॉलोनी में झाड़ू पोछा करना जाती हूँ, और यहाँ 3,000 रूपए मिलते हैं, उसे हमारे घर के खर्चे चलाते हैं हम तो। एक हमारे भैंस थी, वो भी भैंस पता नहीं इसमें पानी में चली गई, वही नहीं मिली मेरी। क्या आपके पति? पति तो है ही नहीं मेरे, 2 साल हो गया, पति तो खत्म हो गया मेरा, यही नहीं पति वती कोई भी नहीं है। यहाँ भैंस का चारा डाल रखा है मेरा, पूरा पानी में भर गया, वो पूरा चारा गल गया मेरा, अब कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ? तो मेरा गाय भैंस है, एक दो गाय बच्ची तो वही इधर उधर डोल रही है, कहाँ बांधू उसको पानी। अच्छा, अभी किन के घरों में आप रह रहे हो? अभी तो मैं किन के घर में नहीं हूँ, अभी तो मेरा वो बहन है, बड़ी बहन, उनके घर में गई कल तो शाम को, वही खाना बना के कल तो मेरे को दिया था थोड़ा बहुत, वो तो उसे मेरा पेट गुजारा किया माँ बेटा। काफी परेशानी है? काफी परेशानी, बहुत परेशानी है, अभी कहाँ जाऊँ मैं, रोज रोज किसके घर में जाऊँ खाना खाने, किसके घर बच्चे को लेकर रात निकालू मैं, रोज रोज की परेशानी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे पास, और अभी दोनों बच्चा मेरा ऐसे तरस रहा है, नहीं तो स्कूल जा पावे, और अभी इसको क्या खिलाऊं पिलाऊं कोई नहीं बोलते। अभी ये सामने मनीष भाई साहब है, वो बोल रहा है भाई ज्यादा परेशानी है तो आप मेरे घर पे आ जाया करो, आप इतनी परेशानी मत उठाओ, तो क्या करूं मैं, रोज रोज किसके पास जाऊं मैं, पास कोई भी नहीं है। ऐसे पूछा, अगले दिन सरपंच साहब उधर वो नाला तोड़ रहा, उसको बोला मैं भाई यहाँ से हमारी तरफ नाला मत तोड़ो, ये नाले को साफ कर दो आप, जहाँ सरकारी जगह है, गाय का प्लॉट बना रखा है, एक मकान बना रखा है, तो सामने बिल्कुल बाउंड्री बना के प्लॉटिंग कर रखी है, इनको तोड़ो और साफ कर दो तो हमारा पानी नहीं आएगा। इतनी सी जमीन है मेरा 6-7 बसवा, इसमें कमाती हूँ खाती हूँ, मेरा कुआं पूरा दशक है उसमें पानी भर गया, अब मैं कहाँ जाऊँ बताओ। नाम बताइए आपका। हमारा नाम पाची देवी है, अब मैं किसी के पास रोज कमा के खाने जाती हूँ, मैं वहाँ झाड़ू पोछा भी करने नहीं पाई कल, तो मैं कैसे जाऊँ, उनका घर भी नहीं की मैं कल छुट्टी करी, ऐसे रोज रोज मेरे को कौन पैसा देगा। वो ही बोलते है भाई आप छुट्टी करते हो तो कौन पैसे देंगे, 3,000 और इतना खेत में मैं खोद खोद के मेरे कमा के पेट निकालती हूँ, कुछ भी नहीं है, हमारा गेट भी घर में लगा हुआ नहीं है, ऐसे चद्दर अद्दर खड़ा करके जाली लगा के हमने काम चलाते हैं, बस हमारे इतनी बाढ़ है खाली, बस ये मेरा थोड़ा बहुत गेहूँ था वो भी पानी में डूब गया, और मेरे खाने पीने का चूल्हा चाकी सब भीग गया, हम खाना बना के भी नहीं खा सकती, पूरे पानी भर गया, तो मैं निकल के बच्चे को लेके इधर इधर डोलती रही पूरा दिन, किसी ने नहीं बोला, हरवार परवार ने किसी ने, सरपंच कोई भी नहीं पूछा भाई आप कैसे परेशान हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपको बच्चे को लेके कैसे हो, किसी ने नहीं पूछा। हम पूरा दिन ऐसे डोलते पड़ते भूखे बचरिया, और शाम के वापस आके यहीं सोया माँ बेटा, खाना बना ही नहीं सका, मेरी लकड़ी वकड़ी सब गीली हो गई। अच्छा, किस तरह का नुकसान आपके हुआ है?
हमारे इस तरफ का ये पांच सागर का पानी आ रहा है ना, ये तो इनके हमारा मकान के सामने बाउंड्री कर ली, प्लॉटिंग करके बेच दिया सबने। हमारा खेत में पूरा मरदेसी भार दी, पूरा पानी हमारा कुएं में भी घुस गया, हमारा खेत में घुस गया, घर के सामने पूरा घर में पानी घुस गया। अब हम कहाँ रहते हैं, कहाँ रह सकते हैं? हम तो शाम को आए, फिर ऐसे हम तो चार पाई था इनके ऊपर सो के रात निकाली माँ बेटी।